2024 में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा किस पार्टी से करेगी गठबंधन, अब ओपी राजभर के बयान ने इशारा कर दिया। ओम प्रकाश राजभर किसके साथ कर रहे हैं गठबंधन पर चर्चा, राजभर ने खुद कर दिया खुलासा। ओपी राजभर ने जो संकेत दिए, योगी सुनेंगे तो कहेंगे मारली पलटी, अखिलेश तो बस मुस्कुराकर कहेंगे जाइए हुजूर। सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने यूपी में लोकसभा चुनाव से पहले गठबंधन को लेकर फिर से बयान दिया। उनके बयान से यूपी में फिर सियासी हलचल बढ़ सकती है। 2022 विधानसभा चुनाव के बाद जब से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की दोस्ती टूटी, तो तब से अखिलेश पर ओम प्रकाश राजभर का सियासी स्टैंड निकाय चुनाव तक क्या रहा, उन्होंने अखिलेश को क्या क्या कहा, क्या क्या नैरेटिव सियासी गलियारों में अपने बयानों से बनवाया, ये किसी से छिपा नहीं। जिस वक्त ओम प्रकाश राजभर अखिलेश की सियासत पर अपनी सियासत से तू तड़ा कर रहे थे, उस वक्त पीएम मोदी, सीएम योगी और बीजेपी के लिए ओम प्रकाश राजभर के दिल में क्या पनपा, किस तरह उन्होंने अपने जज्बात दिखाए, किस तरह से अपनी फीलिंग से योगी से लेकर बीजेपी को हीलिंग दी, ये भी किसी से छिपा नहीं। लेकिन अब अचानक से ओम प्रकाश राजभर बदले बदले से नजर आ रहे हैं। आप सोच रहे होंगे सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का दल योगी से हटकर एक बार फिर अखिलेश पर आ गया, अगर ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। ऐसा लग रहा है कि सियासत की दुनिया में मौसम वैज्ञानिक ओम प्रकाश राजभर को 2024 के लिए अपना परफेक्ट चॉइस मिल गया। जैसे यूपी में 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में विपक्ष के नेता के चेहरे के तौर पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव छाए रहे थे और उन्हीं के साथ अब ओम प्रकाश राजभर हो लिए थे, अब ठीक वैसे ही कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की ओर से बीजेपी को पटखनी देने के विपक्षी एकता के केंद्र राहुल गांधी की गूंज हो रही है, तो लग रहा है ओम प्रकाश राजभर ने पाला बदलने का पूरा प्लान बना लिया है। कल तक सीएम योगी को सबसे ज्यादा ईमानदार बताने वाले ओम प्रकाश राजभर अब उनकी ही सरकार को सबसे ज्यादा भ्रष्ट बताने में लग गए। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में कर्नाटक से कम भ्रष्टाचार नहीं है। बीते दिनों में सुभाषपा प्रमुख बीजेपी सरकार की नीतियों का जमकर विरोध करते रहे। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार पर हमला करते हुए कहा, न केवल कर्नाटक में बल्कि उत्तर प्रदेश में भी भ्रष्टाचार है, मैं ये एक चुनौती के साथ कह रहा हूँ। राहुल गांधी कर्नाटक में 40% भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे थे, उत्तर प्रदेश में कर्नाटक से कम भ्रष्टाचार नहीं। सुभाषपा प्रमुख ने किसी का नाम लिए बगैर कहा, भ्रष्टाचार के आरोपी को यहां जांच अधिकारी बनाया जा रहा है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने शासन में भ्रष्टाचार के प्रति कतई बर्दाश्त नहीं की नीति का अक्सर दावा करते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कर्नाटक में चुनाव के दौरान बीजेपी सरकार को 40% कमीशन वाली सरकार बताकर उस पर हमला किया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा था, हर कोई समझता है कि कर्नाटक में बीजेपी भ्रष्टाचार का प्रतीक है, सपा से गठबंधन टूटने के बाद राजभर योगी सरकार के काम की सराहना करते रहे, ऐसे में उनका यह बयान अहम है। आगामी लोकसभा चुनाव में गठबंधन की संभावना के बारे में पूछे जाने पर राजभर ने कहा कि गठबंधन पर फैसला चुनाव से कुछ महीने पहले लिया जाएगा। अब गठबंधन को लेकर ओम प्रकाश राजभर के इस बयान से फिर सियासी हलचल बढ़ सकती है, तो ऐसे में सवाल है, क्या राहुल गांधी की सियासत ओम प्रकाश राजभर की राजनीति के लिए परफेक्ट हो चुकी है? क्या राहुल प्रियंका की कांग्रेस से यूपी में ओम प्रकाश राजभर गठबंधन करने वाले हैं?